गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो एनर्जी जो कि बॉडी की अगर पोजीशन चेंज होती है मींस जैसे बॉडी यहां पे है बॉडी की हाइट इंक्रीज हो जाए इसको हाइट दूसरी हाइट पे ले जाएं हम इसको तो ये इसकी हाइट हो गई तो हाइट बढ़ने की वजह से या हाइट पहले यहां पे थी यहां पे आ जाए तो हाइट चेंज होने की वजह से मीन्स पोजिशन चेंज होने की वजह से या उसकी शेप में कोई चेंज आ जाए उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है जूल होती है जैसे एनर्जी की यूनिट जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो हैव द यूनिट जूल ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है जैसे कि Uh, जो वाटर होता है डैम के अंदर जो वाटर होता है इन डैम दैट इज इन हाइट पूरी हाइट पे लोकेटेड होता है ऊंचे ऊंचा लोकेटेड होता है डैम के अंदर जो पानी होता है वो किसकी वजह से होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी के अंदर देन अगर हम एक स्टोन है उसको हम हाथ में पकड़ के ऊपर उठा दें तो इस स्टोन के अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी या अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है इस स्प्रिंग को हम दोनों साइड से खींच दें तो इस स्प्रिंग की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी तो इस चेंज इन शेप की वजह से भी जो इसमें पोटेंशियल uh, एनर्जी होती है दैट इज दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और सिंपली हम उसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं तो इस चैप्टर में बेसिकली वी विल फोकस ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज इन दॉडी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले जाते हैं तो उसको नीचे की तरफ कौन खींच कर खींचती है अर्थ की ग्रेविटी पुल करती है तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर एक तरीके से क्या स्टोर हो जाती है एनर्जी स्टोर हो जाती है तो एक ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके हाइट अचीव करना सो so, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसको कोई वर्क डन करना पड़ेगा अगर उसको अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाना है तो जो वर्क डन होता है फ्रॉम रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड ये मान लो ये ग्राउंड है ग्राउंड से इस हाइट तक ऑब्जेक्ट को रेज करने के लिए जो भी वर्क डन होता है अगेंस्ट दी ग्रेविटी वो किस फॉर्म में स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या तो आप इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं और सिंपली यू कैन कॉल इट एज पोटेंशियल एनर्जी तो अगर हमें एक्सप्रेशन देखनी हो फॉर पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है इसका कितना वेट लगेगा नीचे अर्थ की तरफ एम जी लगेगा आपने इसको हाइट एच पे रेस कर दिया अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो आपने इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रेस कर दिया ठीक है तो अब डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट होता है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है ठीक है ना ये आपने ये जितना ए एक वेट एक अर्थ जो है वो एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचती है उसको हम ऑब्जेक्ट का वेट भी कहते हैं और सिंपली हम उसको फोर्स भी कह सकते हैं वो जिसकी वैल्यू होती है एम जी एम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g जो होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में चेंज आता है विद टाइम दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन तो अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं या ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ के कंट्रोल के अंडर होता है अर्थ उसको खींच रही होती है तो अगर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो उसमें माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है और टुवर्ड्स दी ग्रेविट अर्थ आता है मतलब टुवर्ड्स टूवर्ड्स ग्राउंड आ रहा है तो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है यहां माइनस साइन का मतलब है अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना अगेंस्ट द अर्थ जाना तो अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को एम जी फोर्स से खींचेगी अपनी तरफ और डिस्प्लेसमेंट कितनी की इसने इस ए से बी पॉइंट पे जाने में एच करी तो यहां पे एंड दिस वर्कड डन वर्क डन इज ड्यू टू वर्क डन इज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी एम जी एच तो हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया एम जी एच आ गया ठीक है तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और फाइनल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है तो उसमें जितना चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज दी वर्क डन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है या सीधा जा रहा है वो सिंपली इस चीज़ से फर्क पड़ेगा कि यहां पे ए पॉइंट पे उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी जो हम एम से कैलकुलेट कर सकते हैं एच पॉइंट की ए पॉइंट पे जितनी हाइट है फिर हम बी पॉइंट पे जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं तो जो चेंज होगा दैट विल बी द वर्क डन अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है अ बॉय वेइंग 40 के जी क्लाइम्स अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर एक बॉय है उसका मास है 40 के जी उसने क्लाइम किया है वर्टिकल हाइट पे मतलब वो वर्टिकली चढ़ के ऊपर गया कितने मीटर पे 200 मीटर पे मतलब 200 मीटर हमें क्या दी हुई है हाइट दी हुई है कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके वर्क डन करता है दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन कितना होगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट ने जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो जो भी वो वर्क डन करेगा दैट विल बी स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट तो यहां पर एमजीएच फॉर्मूला आप लगाओगे जी की वैल्यू 9.8 मैंने आपको बताई है लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के लिए टेन भी यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बट बिकॉज वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वी मैंशन माइनस ऑल्सो हेयर सो वी विल पुट द वैल्यूज फोर्टी इंटू टू हंड्रेड एंड इन टेन हमारे पास कितना आ जाएगा 80,000 joules. So, this is the work done which will be stored as the potential energy in the object. In the object means the boy when he will climb the 200 meter.